Hey everyone, welcome back to my channel. I hope all of you guys are doing good. हम अभी पहुंच गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट क्योंकि मैं चली अपने ससुराल टू सेलिब्रेट करवा चौथ। तो आज का व्लॉग इस एयरपोर्ट से शुरू करते हैं। हमारा जो फ्लाइट है वो दिल्ली तक है और फिर उसके आगे भी जाना है, तो लगभग ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक हमें ट्रैवल करनी है। हम अच्छे से रेस्ट करके निकले हैं ताकि हम ज़्यादा टायर्ड ना हो, तो देखते हैं कैसा दिन जाता है। लगभग 1 बजे तक हम पहुंच गए थे दिल्ली। और आपको एक बात बताओ, मुझे ना ट्रैवल करना बहुत पसंद है, लेकिन जो यहाँ कन्वे बेल्ट के सामने वेट करना लगेज क्लेम करने के लिए, वो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी बोरिंग ही लगता होगा। तो हमें ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स वेट करना पड़ा ताकि हमारा जो बैगेज आए और फिर हम बैगेज क्लेम करके यहाँ से निकले। हमारा जो आगे का सफ़र है वो है ट्रेन से, और ट्रेन सुबह के 6 बजे है। तो हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ 4 बजे तक रुकेंगे। सोचा कि कोई लाउंज वगैरह कुछ मिलेगा, लेकिन T1 में ऐसा कुछ लाउंज वगैरह थे नहीं। थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने करके रखा था, तो हमने वही 4 बजे तक टाइम स्पेंड करा। हमने सोचा कि लाउंज होता तो थोड़ा सो जाते, लेकिन एनीवेज फिर 4 बजे का कैब लेके हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन। और हम यहाँ से लेने वाले हैं वंदे भारत, और हम जाने वाले हैं जम्मू। जी हाँ, जम्मू मेरा ससुराल है, जहाँ पर हम जाएंगे करवा चौथ और दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। हम बहुत थक गए थे, तो ट्रेन में थोड़ा बहुत हमने सो लिया, और फिर उसके बाद हमें सर्व करा गया हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ठीक था, इतना खास भी नहीं था और बुरा भी नहीं था। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट पे सर्व करा छोले कुलचे, और शायद ये वेज कटलेट टाइप कुछ था, थोड़ा स्पाइसी था लेकिन ठीक था। और एक सैंडविच था जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, तो मैंने वो सैंडविच नहीं खाया। और फिर अराउंड 1:30 हम पहुँचे जम्मू। यहाँ से हमने ली ऑटो, तो ये ऑटो वाला भैया जान पहचान का है, तो इन्होंने हमें यहाँ से पिक करा और फिर हम चल दिए घर की तरफ। मैं ना बहुत थक गई थी, तो फिर वीडियो और कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलती हूँ नेक्स्ट डे के व्लॉग के लिए। तो हम सुबह सुबह निकल गए फेनी कलतम्बे लेने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ का बहुत फेमस जगह है, क्यों देख सकते हो आप। और फिर उसके बाद हमें करना था थोड़ा सा शॉपिंग, क्योंकि मैंने बैंगल्स वगैरह सारी तो मैंने ऑलरेडी खरीद चुकी थी, तो बैंगल्स ये सब लेने थे। और फिर जो थाली है वो सब भी मुझे पिक करना था। तो मुझे यहाँ के जो कलेक्शन से मुझे बहुत पसंद आए, तो चलो आपको भी दिखाते हैं। जम्मू में हर चीज़ इतने रीज़नेबल थे, मैं आपको क्या बताऊँ। जो मैंने करवा चौथ के लिए थाली ली वो बैंगलोर में आराम से 1000 to 1200 पे मिल जाएगा, और यहाँ मुझे मिल गया 400 में। अब यहाँ से हम चल दिए मेन मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे लेने थे बैंगल्स जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। तो मुझे सिंपल सा रेड कलर या मरून कलर का बैंगल चाहिए, उसे हम ढूंढ रहे थे। और यहाँ का आप चूड़ा का जो कलेक्शन है वो देख सकते हो, इतना प्यारा लगता है मुझे तो चूड़ा बहुत ही पसंद है।
तो मैं करवा चौथ के कुछ 2 दिन पहले पहुंची जम्मू, और यहाँ पर लाइन से सब बैठे थे मेहंदी लगाने के लिए। मुझे भी लगानी थी लेकिन हम नेक्स्ट डे लगाएंगे। और यहाँ पर जो कलेक्शन है, जो विंटर वेयर्स, इंडियन वेयर्स, सब के सब बहुत अच्छे कलेक्शन है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। हाँ, आपको बार्गेन करने की ज़रूरत है लेकिन आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा लेन है, यहाँ पर दोनों साइड में मेहंदी वाले बैठे हैं और बहुत ही क्राउडेड है बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल। तो शॉपिंग ख़त्म होने के बाद चाची ने मुझे कुछ खिलाया, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, आई हैव एक्चुअली फॉरगॉटिंग इट ऑल्सो। उन्होंने मुझे बताया था कि क्या नाम है इसका, सो इट वाज समथिंग लाइक अ लेमन। तो मैंने जब फर्स्ट इसका पीस खाया, लिटरली मुझे जैसे शॉक लगा क्योंकि ये बहुत ही खट्टा था, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड एंजॉयिंग इट। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपका आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।